खैर भाई साहब, इस बार कंफर्म है यानी 2024 में कि बॉलीवुड की तरफ से कोई भी ब्लॉकबस्टर 1000 करोड़ वाला ब्लॉकबस्टर देखने को नहीं मिलेगा जो पिछले साल देखने को मिला था, लाइक जवान एंड पठान। क्योंकि इस बार भाई साउथ की मूवी एक नहीं, दो नहीं, तीन मूवी का सॉलिड डंका सामने बज रहा है, जिसके नाम मात्र से ही सोशल मीडिया पर तूफान आता है। कंगुवा, देन उसके बाद कल की 2898 एंड पुष्पा दारुल। हाँ, एक मूवी से अभी है उम्मीद, कौन सी? सिंघम अगेन, या सिंघम का जो लेटेस्ट सीक्वल है। लेकिन चूतिया पर ये हो रहा है कि पुष्पा 2 द रूल के साथ ये लोग क्लैश करने की बात कह रहे हैं। भाई उस मूवी की अलग ही हाइप है जो इजिली बीट डाउन हो सकती है। बड़े मियाँ छोटे मियाँ से उम्मीद थी कि ये मूवी आएगी और डेफिनेटली 500 से 600 करोड़ ठोक के जा सकती है, लेकिन कल जो उसने हगा है उस मूवी ने, ये तो हम सब देख ही चुके हैं। इस साल तो खैर बॉलीवुड में दूर दूर तक कोई मूवी ऐसी नजर नहीं आ रही है, लेकिन भाई 2025 के लिए दो मूवी ने अपनी जगह सिक्योर कर ली है ब्लॉकबस्टर लिस्ट में 1000 करोड़ की EMI को फुलफिल करने के लिए। एक तो कल ही ताजी अनाउंसमेंट हुई है, देन उसके बाद एक तो हम जानते ही हैं बॉर 2 के बारे में, जिससे रिलेटेड एक छोटी ही अपडेट भाई सोशल मीडिया पर तूफान लेकर आ जाती है। लेकिन भाई सलमान खान की नेक्स्ट प्रोजेक्ट यानी नेक्स्ट ईद के लिए कंफर्मेशन हो चुकी है, क्योंकि सिकंदर मूवी जो आने वाली है उनकी डेट अनाउंसमेंट कर दी गई है, टाइटल अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि नेक्स्ट ईद सलमान खान की होने वाली है अगेन। नाइस। जिसको डायरेक्शन दे रहे हैं AR मुर्गोदास, वो AR मुर्गोदास जिन्होंने पहले ही ब्लॉकबस्टर कुछ एक मूवीज दे रखी हैं, लाइक अगर आपने गजनी मूवी देखी है तो यस वो ब्लॉकबस्टर है, थुपक की या थालापति विजय के मेन लीड पर, देन उसके बाद रजनीकांत सर के मेन लीड पर दरबार मूवी, देन उसके बाद जय हो तो सबने देखी है, गब्बर इज बैक कौन भूल सकता है इसको। तो AR मुर्गोदास क्या सिकंदर के साथ भी वही धमाका मचा सकते हैं? डेफिनेटली मचा सकते हैं, क्योंकि सलमान खान से बहुत वेट है और ईद पर हमेशा भाई सलमान खान ही देखने को मिलते हैं। एंड नेक्स्ट ईद सलमान खान की कंफर्म है, और इस ईद पर मतलब नेक्स्ट ईद पर 1000 करोड़ ये मूवी ठोक के जा सकती है। पिछले कुछ AR मुर्गोदास के प्रोजेक्ट्स को देखें तो वो डेफिनेटली ब्लॉकबस्टर हिट ठोक के गई हैं। भाई सेकंड मूवी की बात करें जिसके डेडलीएस्ट कॉम्बो के लिए सबको वेट है, जूनियर NTR यानी एजेंट तारक और एजेंट कबीर के आमने सामने के लिए, ऋतिक रोशन बाबा और जूनियर NTR, ये दोनों मास एक्शन हीरो जब आमने सामने आएंगे तो क्या तबाही मिल जाएगी, क्योंकि भाई ये दोनों की आज शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, यानी ये दोनों हमें एयरक्राफ्ट सीन में देखने को मिलने वाले हैं जिसका भाई स्टार्ट हो चुका है शूटिंग। उसके बाद ये दोनों हमें कब कब सामने देखने को मिलेंगे, ट्रेन चेजिंग सीन में भी देखने को मिलेंगे, यार्ड चेजिंग सीन में भी देखने को मिलेंगे, देन स्पीड बोट चेजिंग सीन में भी ये इन दोनों का आमना सामना हमें देखने को मिलेगा। खैर वॉर 2 के लिए भाई कहानी के लिए या फिर और भी कुछ के लिए मुझे नहीं लगता कि इतना वेट है, लेकिन भाई इस डेडलीएस्ट कॉम्बो के लिए, इस डेडलीएस्ट आमने सामने के लिए जो भिड़ंत होगी इन दोनों में, इसके लिए बहुत लोग वेट कर रहे हैं, इवन मी, कि भाई जब ये दोनों आमने सामने आएंगे तो क्या लेवल की तबाही मस्ती देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर एक्शन की बात करें, उससे पहले भाई अयान मुखर्जी जिसके डायरेक्टर हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए फुल कॉन्फिडेंट है और ये बिल्कुल भी चूक नहीं करना चाहते हैं। 11 स्टंट कोऑर्डिनेटर्स को उन्होंने बुला रखा है वर्ल्ड वाइड के, मतलब फाइनेस्ट, ताकि ये एक्शन में दमदार धमाका कर सके। बात अगर करें कि इस मूवी का बजट कितना है तो 200 करोड़ के आसपास इसका बजट है, और अयान मुखर्जी जब ये डायरेक्टर है तो भाई साहब एक ट्रस्ट जरूर बनता है कि ये मूवी इजिली 1000 करोड़ ठोक के जा सकती है। कैसे? क्योंकि जब ब्रह्मास्त्र मूवी में हमने इसका काम देख ही लिया है, चाहे आप VFX के मामले में ले लो, चाहे आप कहानी के मामले में ले लो, तो VFX के पार्ट में भाई ये तो नहीं करने वाले हैं बिल्कुल भी कमी, क्योंकि ऐसी जो बिग एक्शन पैक्ड मूवी होती है उनके VFX का बहुत भारी भरकम रोल होता है मूवी को एंगेजिंग आने के लिए। भाई डेड भी इन्होंने लगभग फिक्स कर ही दी है कि अगले साल यानी 2025 में 14th ऑफ अगस्त को ये मूवी को रिलीज कर देंगे, तो बॉलीवुड की तरफ से ये दोनों मूवी भाई फाड़ के कमाई कर सकती हैं। खैर वॉर की बात करें, जो फर्स्ट पार्ट था 170 करोड़ इसने बजट था, देन उसका 475 करोड़ का भारी भरकम कलेक्शन किया था, तो ये मूवी जो 200 करोड़ का बजट इसमें खर्च कर रहे हैं तो ये कितनी कमाई कर सकती है? भाई 1000 करोड़ तो कर ही सकते हैं, क्योंकि पठान भी 200 से 250 करोड़ के आसपास बजट था और इजिली 1000 करोड़ ठोके गई थी, और इसमें तो जूनियर NTR भी है और ऋतिक रोशन बाबा हैं, तो दोनों को आमने सामने देखने के लिए तो लोग पहले ही पागल हैं, बिखलाए पड़े हैं। तो वेट करते हैं, फिलहाल आप लोग जरूर बता के जाना कि कौन सी मूवी के लिए कितना वेट कर रहे हैं, और सिकंदर जो न्यू मूवी अनाउंसमेंट हुई है उसके लिए कितना वेट कर रहे हैं, और ये मूवी वॉर 2 कितना कलेक्शन कर सकती है। फिलहाल मैं मान के चल रहा हूँ 2 मूवी और 2000 करोड़, आपको क्या लगता है?